उसके चरणों के दास क्यों ना बन जाएं, हम उससे विनय क्यों ना करें। पहचान जाता है, पुलिस चोरों को पहचान जाती है। एक चोर चला, उसने सोचा मैं कैसे बचकर निकलूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, बचकर कैसे निकले। तुरंत एक दुकान पर गया, वहां से एक बुरखा खरीद लिया, उसने बुरखा को ढाक लिया, चल दिया, स्त्री की चप्पल पहनी, स्त्री की चाल में चला, स्त्री की चप्पल पहनकर स्त्री की चाल में चलकर जा रहा है। कोई नहीं पहचाने, कोई स्त्री की चाल में चल रहा है, स्त्री की चप्पल पहन ली है और बुरखा से ढाक लिया और चल दिया, कोई नहीं पहचाना उसे। आगे गया, थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा और उसको पहचाना, बुरखा हटाकर उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर खूब मारा और ले जाकर उसको बंद कर। एसपी ने बुलाया टीआई को और टीआई को बुलाकर पूछा, क्यों रे इधर, तू इधर आ, इधर। टीआई आया, टीआई ने पूछा, जी सर, बोलिए। हम खड़े थे, हम नहीं पहचान पाए, इतने सारे लोग खड़े थे, वो नहीं पहचान पाए, टीआई तू कैसे पहचान गया। टीआई ने कहा, सर जब ये सुनार की दुकान के सामने से निकला, जब ये कपड़े की दुकान के सामने से निकला, इसने सुनार की दुकान को और कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर नहीं देखा, अगर स्त्री होती तो पलट कर देखती। सर इसने सुनार की दुकान को पलट कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान को पलट कर नहीं देखा, अगर स्त्री होती तो सुनार की दुकान को डबल से पलट कर देखती, कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर देखते। हम समझ गए कि ये स्त्री नहीं है और इसलिए चोर पकड़ा ही ना गया। गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है। और मेरे महादेव की धरा पर जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो शिव पहचान जाता है कि मेरे अपने आए, मेरे अपने, ये मेरा है, ये मेरे लिए आया, ये किसी वस्तु की चाह के लिए नहीं, ये एंजॉय करने के लिए नहीं, ये हिल स्टेशन समझ कर नहीं आया, ये मेरे लिए आया। और फिर जो मेरे महादेव के लिए आता है, महादेव उसका हो जाता है। तुम एक बार महादेव के लिए आओ तो तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव के लिए जाओ, शंकर के लिए जाओ। तुम ये विचार कर जाना, मुझे शंकर भगवान के जल चढ़ाने को काम मत कहना। तुमसे कोई पूछे कि कहाँ गई थी, अरे मेरे घर में बहुत काम रहता है, देखो मेरे को सुबह मंदिर जाना पड़ता है, जल चढ़ाना पड़ता है, इतना सारा काम पड़ा रहता है और फिर मेरे को घर का सारा काम करना पड़ता है। अर्थात तुमने घर के काम को, भगवान के जल चढ़ाने को तुमने भगवान के काम को, अर्थात मंदिर में जल चढ़ाने को तुमने काम से जोड़ रखा कि मुझे मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, ये भी एक काम है, मुझे भगवान के मंदिर में सफाई करना है, ये भी एक काम है, मुझे मंदिर में जाके श्रृंगार करना है, ये भी एक काम है। याद रखना, अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने को तुम काम समझते हो, भगवान शंकर के मंदिर में जाने को तुम काम समझते हो, तो कभी भी शंकर की कृपा तुम पर नहीं हो सकती। तुम जिस दिन अपना समझ कर जाओगे उस दिन शिव की कृपा हो, जिस दिन तुम अपना समझ कर जाओ उस दिन शिव की। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के झूठा है संसार हमने दिया।
छोटा है संसार, हमने सब मतलब के मंदिर में जल चढ़ाने को काम ना समझोगे, काम मत समझो। कोई पूछ ले तुमसे कि बहुत घर में काम रहता है, देखो पहले मैं सुबह से मंदिर जाती हूँ, मंदिर में आके लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, चाकरी करती हूँ, काम ही करो ना। नर्मदा जी का
गए कंकर लेकर चले जाते। अब उनका नियम क्या था? प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते। कमरे में रखते इस प्रदोष को कंकर लेकर गए, तो अगले प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते। कंकर लाते, नदी में डाल देते, नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा कर ले जाते। फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते। एक कंकर को उठा कर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको दे देते। माई नर्मदे, अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओंकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा ले जाना। अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट हो गया। विमला बोली, भानुमती बोली, ये ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा है, आप लोग तो सुने हुए होंगे ओंकार घाट वालों, पर बाकी के लोगों के लिए आप लोग तो सुने। अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सोतबार। परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूँ कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं कैसे? पत्नी ने कहा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर ले, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बनाकर तैयार रखती, अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी नारायण बिमला दोनों चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है? बिमला ने कह लिया, पति ने नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना है, एक काम करो, थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां सिक्के उस आटे में मिला दे, क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते, पर्स चोरी चले जाए। बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा, आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे। आटे में सोने की गिन्नी मिला, पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो, जल्दी आना। पति चले गए, तुम बाहर गांव जा रहे हो, जल्दी आना।
पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल निकाल के, रेत को निकाल निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब उसमें घर बना लिया, जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं। घर बना रही हैं, मिटा रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो ये ही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े। घर तो बनाए, जम के बोलो जरा, पर थोड़े। सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बेटियां घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, पर एक लड़की उसमें ऐसी है जो घर तो बना रही है पर तोड़ नहीं रही है। उसको सजा रही है, पत्थर उठा उठा के उसको सजा रही है पर तोड़ नहीं रही है। सेठ जी ने सोच लिया बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नरवरे सेठ पीछे पीछे चला, सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूँ, दूसरे गांव में रहता हूँ, मुझे दूसरे गांव जाना है। आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी इसलिए आपके घर आ गया, आपके पीछे पीछे मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है? मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी दो रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से दो रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कह रहा है कि दो रोटी उसके साथ में आटा रखा उसकी बना लो। माँ कहती कौन उसका आटा उसने का, तू तो एक रेंदे, अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा, ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई, जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नरव दे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। माँ ने भोजन बना कर दिया, सेठ जी को हाथ जोड़कर कहा, कहां जा रहे हैं आप? मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है? इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार? क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए व्यापार के लिए गया है, एक काम करो, माँ नर्मदा का जल भर लो, उसमें कंकर रख लो और माँ नर्मदा से विनती कर कर माँ नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। माँ नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवा कर बेटी को बहू बना कर ले आया। जैसी बहू बना कर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमती सुनो। भानुमती ने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन आया है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमती ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई, रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है तो बहू कैसे आ गई?
तैयार है। भानुमति से कहा, मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तो चिंता मत कर। मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली, झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी, तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखे, अगला पत्थर रखे, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगा कर बुला लिया, बहुरानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला, आपने हमारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा, इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी जिंदगी? बहू ने पूछा, क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है, और तेरे तुझे बहू बना कर लिया। भानुमति की बहू ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पाइजन जाने लगा, उसको लगने लगा कि हो सकता है दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने सास का सेवा करना बंद कर दी, ना चाय बनाए, ना दूध बनाए, ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे, अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती। एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुला कर कह दिया, अरे तेरे सेठ के पास में, ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर चाबी मांग ली, सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला चाबी दे इसको, बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू पूछती नहीं, प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए, उठे पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष के प्रदोष खोलते हैं, इसको मत खोलना। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर लाता था, आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए, सुध नहीं रही, क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया, खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का जवान बड़ा सुंदर और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है, शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया, तुम कौन हो? कहा, मैं सेठ जी का बेटा काशी रहता था और आज ही आया हूं। तो माता पिता मुझे बंद कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर आते हैं सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी, बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा? नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा, ये बहू क्या कह रही है, ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी, कह रही है बेटा आ गया, कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं, तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। से लोग कहते सीवर के कंकर का क्या महत्व है, तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी, क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बन
कंकड़ में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकड़ में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकड़ में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकड़ भी एक दिन मीठा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकड़ लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकड़ शंकर कहलाता है, उसका एक कंकड़ भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा मां, तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तू चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा, मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो, आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तुम शंकर के मंदिर चले जाओ, आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तुम ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो, आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आए। तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओंकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो, एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी, एक दिन मेरा ओंकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा, एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना, तो तुम्हारे दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा। वो कंकर शंकर है, नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है, ये कथा उन जनमानस के लिए है। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन, भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते। शंकर क्या है, कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है, तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव उस सारे दुख मिटा सकता है। एक एक पत्र है, देख, हम असमर्थ थे ऑपरेशन कराने के लिए, उनको डॉक्टरों ने कह दिया था
कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर ऑपरेशन 7 दिन के अंदर नहीं हुआ। आप पत्र में पढ़ सकते हैं 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमने उन्हें घर लाकर 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम उनको गुजरात के हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए और घर लाने के बाद हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसको तांबे के कलश में डालकर गलाकर शिवजी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हमने अपने पति को देना प्रारंभ करी, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 15 दिन के भीतर मेरे पति की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी कैसे काम कर रही है। 7 दिन दिए थे मृत्यु के लिए और बाबा ने बचा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो महाकाल का भक्त होगा, जो मेरे ओमकार बाबा का भक्त होगा, जो मेरे सोमेश्वर नागेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे अमरनाथ बाबा का भक्त होगा, वो धोखा नहीं खा सकता। राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ये चार खेड़ा जिला हरदा तहसील डिमरनी की रहने वाली हैं, जिनके यहाँ 20 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं। साधु शंभू प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। भरोसा रखकर कथा का निष्पादन करेंगे तो हमारा शिव हमारा